हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे गूगल प्ले कंसोल पे आप कोई भी एप्लीकेशंस को अपडेट करेंगे। एप्लीकेशंस अपडेट करने के लिए आपको फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपके पास एक गूगल प्ले कंसोल का आईडी होना चाहिए। उसमें आप कोई भी एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशंस को अपलोड कर सकते हैं। अगर न्यू एप्लीकेशंस है तो उस आईडी में आपको गूगल प्ले कंसोल में आप एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हैं एंड न्यू एप्लीकेशंस को भी अपलोड कर सकते हैं। सो, पहले से हमारा एक एप्लीकेशंस अपलोडेड है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हम इस एप्लीकेशंस को अपडेट कैसे करेंगे। सो, दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ऐसा टिक्स एंड टिप रिलेटेड वीडियो हमारी चैनल पे आता रहता है। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो हमारे चैनल पे आएगा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो दोस्तों, चलिए फिर स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं कैसे हम एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं। एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा, गूगल कंसोल। ठीक है, हमने गूगल कंसोल यहाँ पे सर्च कर दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। हमने गूगल कंसोल सर्च करके आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए गूगल प्ले कंसोल पे खोलना होगा। हाँ, यहाँ पे आपको आपका जो आईडी पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना होगा। हमारा पहले से लॉगिन करके हमने रखे हैं तो हमारा आईडी पासवर्ड नहीं मांगे हैं। सो, आपको कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट करना होगा, देखिए यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन से जो हमें अपडेट करेंगे, ठीक है, और न्यू वर्जन आया है उसका हम आपको अपडेट करके दिखाते हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा एंड देन उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा प्रोडक्शंस, हाँ यहाँ पे साइड में देखिए लेफ्ट साइड में आपको प्रोडक्शंस का एक ऑप्शन आएगा, प्रोडक्शंस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कोने पे आपको दिखाई देगा क्रिएट ए न्यू रिलीज, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट ए न्यू रिलीज पे क्लिक करेंगे एंड देन इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे .abb फाइल आपको अपलोड करना होगा। चलिए फिर यहाँ पे अपलोड पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारा जहाँ पे भी abb फाइल है उसमें हम, दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने abb फाइल ओपन करके रखे हैं, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग करके दे देंगे या फिर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। चलिए फिर यहाँ पे इसको हम ड्रैग करके देते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा अपलोडिंग का, अपलोडिंग होने दीजिए पहले। सो दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड हो गया है, ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ पे इस टाइप, इस तरह आपको विंडो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे फाइल टाइप क्या है, वर्जन क्या है, API लेवल क्या है, ठीक है, सारा डिटेल्स इसमें आपको दिखाई देगा, सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करने के बाद पहले यहाँ पे देखिए आपका जो ओल्ड वाला था, ठीक है, ओल्ड वाला कितना था, वर्जन 1.0 वर्जन, ठीक है, अभी जो हमने न्यू अपडेट किए हैं 1.2 वर्जन, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, रिलीज नोट पे आपको टाइप करना पड़ेगा क्या क्या आपका चेंजेस हुआ है, ठीक है, सम बाग, यहाँ पे रिलीज नोट पे क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो जो प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन हुआ है वो टाइप कर दीजिए, लिखे यहाँ पे आप टाइप कीजिए सम बाग, सम बाग रिजॉल्व, ठीक है, उसके बाद आप दे सकते हैं फिनो AEPS, some new features, यहाँ पे हमने क्या दिए हैं, सम बाग रिजॉल्व, सम बाग जो था, जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया है इस एप्लीकेशन में, और सम न्यू फीचर्स एडेड, कुछ न्यू जो फीचर्स है एड हो गया है, ठीक है, यही हम लिख देते हैं और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी आपका एप्लीकेशन और भी कोई भी चेंजेस है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन में यही प्रॉब्लम, जो जो प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हो गया है, सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर रिव्यू सेव करना पड़ेगा, ठीक है, आप सेव कर सकते हैं, इसको सेव कर दीजिए, ओके। हमने जो जो चेंजेस किए हैं वो सेव हो गया है, जो जो हमारा यहाँ पे और रिलीज नोट पे टाइप किए हैं वो चेंज हो गया है, सेव हो गया है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा,
आपको इस उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे देखिए रिव्यू रिलीज, ठीक है, इसको जो हमने अपलोड किए हैं उसको हम रिलीज करेंगे। चलिए फिर हम इसमें रिलीज पे क्लिक कर देते हैं। ओके एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा डिवाइस पे आपका वो जो एप्लीकेशन चलेगा, यहाँ पे डिवाइस का नेम, ठीक है, पूरा सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट डिवाइसेस सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, फ़ोन, टैबलेट, टीवी, जो जो आपको डिवाइस में ये एप्लीकेशन चलेगा वो दिखाई देगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सारा डिटेल्स रहने दीजिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट रोल आउट एंड प्रोडक्शंस, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, रोल आउट एंड प्रोडक्शन पे क्लिक करके रोल आउट पे क्लिक करना होगा, सिंपल। सो दोस्तों हमने जो एप्लीकेशंस अपलोड किए हैं, जो एप्लीकेशन हमने अपडेट किए हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिलीज में, देखिए रिलीज नोट क्या है इसमें, इन रिव्यू, ठीक है, हमने जो एप्लीकेशन अपडेट किए हैं वो रिव्यू पे है अभी, क्या करेगा गूगल प्ले कंसोल उसको रिव्यू करेगा, एंड देन कुछ मिनट के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद या फिर ये भी हो सकता है 24 आवर्स के बाद, ठीक है, वो लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर में। सो इसी तरीके से हमने जो स्टेप आपको दिखाया है उसको फॉलो करके आप कोई भी एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हैं गूगल प्ले कंसोल में। सो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।